सभी को नमस्कार। स्मार्ट किड्स सुचान प्रौद्योगिकी टूर कोडिंग सत्र में आपका स्वागत है। प्रशिक्षण के अलावा SEN युवाओं की तार्किक सोच को प्रशिक्षित करने के साथ हम सूचना प्रौद्योगिकी के कुछ बुनियादी ज्ञान भी साझा करेंगे। लक्ष्य SEN युवाओं की सुचान प्रौद्योगिकी क्षमताओं में सुधार करना और उनके दैनिक कार्यों में सुचान प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के साथ उनकी मदद करना है। स्मार्ट किड्स सुचान प्रौद्योगिकी टूर 5 भागों में विभाजित है। पहला है संख्या और मात्रा सीखना। जानिए कैसे अनुक्रम में व्यवस्थित करें। चित्र, आकार और भवन संयोजन में अंतर करें। अंतराल और दूरी को समझें और कारण और प्रभाव। हम इन 5 क्षेत्रों के आसपास मूवी क्लिप की एक श्रृंखला तैयार करेंगे। हम SEN युवाओं को तार्किक रूप से सोचने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। कई बार जब बच्चे अलग अलग प्रशिक्षण सत्रों में भाग ले रहे होते हैं तो उनके माता पिता अन्य काम करने चले जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के साथ रुकें। इस अनमोल बंधन समय के माध्यम से माता पिता अपने बच्चों की क्षमताओं को देख और जान सकते हैं। वे खेल के कोडिंग पर एक साथ काम कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और एक साथ समाधान ढूंढ सकते हैं। ये माता पिता और बच्चों के बीच बातचीत को मजबूत कर सकता है। चलो शुरू करें। पहले हमें इस वेबसाइट पर जाने की जरूरत है। go.org एक विश्वव्यापी गैर लाभकारी संगठन है जो ये सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि कोडिंग सहित ने शुल्क कंप्यूटर विज्ञान संसाधनों को कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को प्रदान किए जाते हैं। ब्लॉक आधारित प्रोग्रामिंग तकनीक के माध्यम से कोडिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह ही है। ये बहुत मजेदार है। यहाँ हम एक साथ पजल गेम बनाना सीखेंगे। तैयार होने पर हम वेबसाइट के नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और उस भाषा को चुन सकते हैं जिसमें हम काम करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने हिंदी चुना। भाषा का चयन करने के बाद पूरी वेबसाइट तुरंत हिंदी में बदल जाएगी। मुझे लगता है कि हम सब पहले से ही शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। आइए पेज के शुरू पर वापस स्क्रॉल करें और सीखना शुरू करें पर क्लिक करें। SEN युवाओं को तार्किक रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित करें। प्रारंभिक अवस्था में माता पिता को उन्हें हर दिन अभ्यास करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ये SEN युवाओं के लिए बहुत ज्यादा है। हम एजुटेनमेंट में विश्वास करते हैं और हम आशा करते हैं कि हम बच्चों को उनकी अपनी गति से सीखने और दोहराने के लिए प्रेरित करेंगे। माता पिता का अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए स्वागत है। प्रति सप्ताह 1 घंटा बिताएं, एक साथ सीखें और अभ्यास करें। वर्तमान में code.org प्लेटफॉर्म पर 500 से अधिक कोडिंग प्रोजेक्ट हैं। यदि हम पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम सभी विभिन्न उपलब्ध विषयों को देखेंगे और उनमें से किसी एक से आसानी से जुड़ सकते हैं। उनमें से हम कुछ का चयन करेंगे जो SEN युवाओं के लिए उपयुक्त हैं और उनका मार्गदर्शन करेंगे। इस एपिसोड में हम खेल भाग से शुरुआत करेंगे। खेल बॉक्स को खोजें और उस पर क्लिक करें। फिर बास्केटबॉल गेम बनाए में प्रवेश करने के लिए क्लिक करें। अब आप जो देखेंगे वह सीखने का मंच है। बीच में निर्देश है जो प्रत्येक प्रोग्राम मिशन स्तर के लक्ष्य की व्याख्या करता है। सबसे ऊपर एक पट्टी है जो दिखाती है कि इस प्रोग्राम मिशन के कितने स्तर हैं। अब हम स्तर 1 पर हैं। स्तर 2, 3, 4 कुल 8 विभिन्न स्तर हैं। निर्देश के नीचे कार्यक्षेत्र है, 2 भागों में विभाजित, बाएं और दाएं। बाईं ओर ब्लॉकों हैं विभिन्न कमांड के साथ। वर्तमान में 2 कमांड हैं, बाएं चले और दाहिना चले। हर बार जब आप एक स्तर पूरा करते हैं तो नए कमांड ब्लॉक जोड़े जाएंगे। दाईं ओर
कार्यस्थान क्षेत्र, निष्पादन क्षेत्र है। आपको क्या लगता है कि प्रत्येक निर्देश के निष्पादित होने के बाद क्या होगा? उदाहरण के लिए, वर्तमान निर्देश जो आप देख रहे हैं वह जब बाया तीर, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? हमें बाईं ओर एक कमांड ब्लॉक खोजने की जरूरत है। उस पर क्लिक करें और उसे दाईं ओर कार्य क्षेत्र में खींचें। उदाहरण के लिए बाएं चले क्लिक करें और इसे दाईं ओर जब बाया तीर के नीचे खींचें। बाईं ओर का क्षेत्र गेम स्क्रीन है। आइए रन पर क्लिक करें। रन के नीचे एक बटन है जो बाईं ओर चलता है। कृपया इसे एक कोशिश का मौका दीजिए, या आप कंप्यूटर कीबोर्ड पर बाएं और दाएं जब भी कोई प्रोग्राम मिशन पूरा होता है आप अगले स्तर पर आगे बढ़ेंगे। आइए अगला कार्य जारी रखते हैं। हर बार जब हम एक नए प्रोग्राम मिशन में प्रवेश करते हैं तो मध्य बॉक्स में नया निर्देश प्रदर्शित किया जाएगा। नीचे का कार्यस्थान भी अलग है। जब आप बाएं एरो पर अंत तक क्लिक करते हैं तो क्या होता है? जब आप दाएं एरो पर अंत तक क्लिक करते हैं तो क्या होता है? हमें बाईं ओर ब्लॉक भाग से सही कमांड ब्लॉक खोजने की आवश्यकता है और दाईं ओर निष्पादन ब्लॉक के साथ जोड़ें। क्लिक ध्वनि सुनने के बाद आप प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए रन बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। दो स्तरों को पूरा करने के बाद कंप्यूटर अब समझता है कि बाएं और दाएं कैसे चलना है। अब तीसरे स्तर पर चलते हैं। मध्य बॉक्स में नए निर्देश होने चाहिए। इस स्तर पर हम कारण और प्रभाव सीखेंगे। क्या होता है जब गेंद हिट हाथ है? आपको स्क्रीन पर दो अलग प्रोग्राम ब्लॉक दिखने चाहिए। एक है गेंद उछाले, दूसरा है जब गेंद हिट हाथ है। आइए दो निर्देशों को जोड़ें और रन पर क्लिक करें। अब क्या हुआ? ये कार्यक्रम निर्देश है, जब गेंद हिट हाथ तो बास्केटबॉल उछल जाएगी। अब हम स्तर चार पर हैं। पहले निर्देश बॉक्स पढ़ना याद रखें, फिर ब्लॉक और कार्यक्षेत्र क्षेत्र पर एक नजर डालें। प्रोग्राम ब्लॉक के नीचे एक नया आइटम है जो गेंद उछाले है, लेकिन कार्यक्षेत्र में दो निष्पादन ब्लॉक हैं। तो क्या होता है जब गेंद हाथ से लगती है या जब गेंद हिट हाथ, तो क्या बदलता है? आइए इन दो कमांड ब्लॉक को जोड़ें। जब हम रन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? अब हम स्तर पांच पर हैं। कार्य क्षेत्र में नए ब्लॉक हैं। आइए ब्लॉक क्षेत्र पर एक नजर डालें। मूव और गेंद उछाले के अलावा हमारे पास एक नया कमांड ब्लॉक है। ये एक ध्वनि प्रभाव ब्लॉक है। आइए देखें कि हमारे पास यहाँ कितने ध्वनि प्रभाव हैं। आइए हम अभी स्तर एक से चार में सीखे गए का उपयोग करें और ध्वनि प्रभाव जोड़ने की कोशिश करें। क्या होगा? हम निष्पादन ब्लॉकों में से एक में ध्वनि प्रभाव जोड़ सकते हैं, या हम प्रत्येक निष्पादन ब्लॉक में ध्वनि प्रभाव जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब गेंद हिट हाथ, हम बाउंस ध्वनि चला सकते हैं। जब बाया तीर, एक सीटी ध्वनि। जब दाहिना तीर, एक जयकार ध्वनि। जब गेंद दीवार को मारे, एक नेट स्विश ध्वनि। अब रन दबाएं और देखें कि क्या होता है। पांच स्तरों को पूरा करने के बाद अब हम इन कमांड ब्लॉक का उपयोग करना जानते हैं और विभिन्न निष्पादन। हम ये भी जानते हैं कि खेल में ध्वनि प्रभाव जोड़े जा सकते हैं। अब हम स्तर छह पर हैं। निर्देश बॉक्स में युक्तियों को देखना न भूलें। स्तर छह का लक्ष्य ये देखना है कि प्रतिद्वंद्वी के दो अंक प्राप्त करने से पहले हम कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं। कार्यस्थान अनुभाग में दो नए ब्लॉक हैं, स्कोर पॉइंट और ओपोनेंट पॉइंट स्कोर। सबसे पहले हमें यह तय करने की जरूरत है कि मैं अंक कैसे प्राप्त कर सकता हूं। दाईं ओर कार्य क्षेत्र में अलग अलग निष्पादन ब्लॉक होंगे जो हमने पहले देखे। उन ब्लॉकों के अलावा
दो नए निष्पादन ब्लॉक भी हैं। क्या होता है जब गेंद लक्ष्य में हो, जब गेंद को हाथ याद होता है के बारे में क्या? स्तर 6 से शुरू होकर माता पिता और उनके बच्चे एक साथ चर्चा कर सकते हैं विभिन्न संयोजन के बारे में। विभिन्न कमांड ब्लॉक को निष्पादन ब्लॉक से जोड़ने का प्रयास करें। ध्वनि प्रभाव को किस कमांड में जोड़ा जाना चाहिए? हम कौन सी ध्वनि लेना चाहते हैं? यदि जब्बा या तीर का मिलान दाएं ले जाएं से किया जाए तो क्या होगा? चूंकि हमने बाएं और दाएं को उलट दिया है, जब हम बाएं एरो पर क्लिक करते हैं स्क्रीन पर हाथ दाएं ओर बढ़ेगा। जब हम दाएं एरो पर क्लिक करते हैं स्क्रीन पर हाथ बाएं ओर बढ़ेगा। अब तक हमने 6 स्तरों को पूरा कर लिया है, अब स्तर 7 पर जा रहे हैं। हम तुरंत स्तर 7 शुरू करते हैं। यहाँ नए कमांड ब्लॉक हैं। दाईं ओर कार्य क्षेत्र भाग में भी कुछ नए निष्पादन ब्लॉक हैं। एक नए स्तर में प्रवेश करने के बाद निर्देश बॉक्स पर एक नजर डालें। इस खेल को पूरा करने के लिए अब हमारे पास केवल 2 स्तर बचे हैं। माता पिता इन अंतिम 2 स्तरों को पूरा करने में अपने बच्चों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। विभिन्न कमांड ब्लॉक को जोड़ने के बाद हम प्रभाव देखने के लिए रन पर क्लिक कर सकते हैं। 7 स्तरों को पूरा करने के बाद प्लेटफॉर्म के बुनियादी संचालन से सभी को परिचित होना चाहिए। अब अंतिम स्तर पर चलते हैं। इस अंतिम स्तर में निर्देश बॉक्स में कोई दिशा निर्देश नहीं है। हमारे पास यहाँ कई कमांड ब्लॉक हैं। आसपास देखें कि क्या आपको कोई नया मिल सकता है। कार्य क्षेत्र भाग में नए निष्पादन ब्लॉक भी हैं। खेल को डिजाइन करते समय आप परीक्षण करने के लिए किसी भी समय रन दबा सकते हैं। डिजाइन पूरा करने के बाद आप फिनिश बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने इस गेम को बनाना समाप्त कर दिया है। जब आप फिनिश पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन इसे प्रदर्शित करेगी। ये वेब पता आपके गेम का लिंक है। आप इस वेब पता को कॉपी कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं और इसे एक साथ आजमा सकते हैं। आप इसे फेसबुक ट्विटर पर पोस्ट कर सकते हैं या इसकी एक प्रति को प्रिंट भी कर सकते हैं। यदि आप अमेरिका में हैं, तो आप SMS के माध्यम से वेब पता प्राप्त कर सकते हैं। फिनिश बटन पर क्लिक करने के बाद आप इस बॉक्स में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं और आपको पूर्णता का एक ई सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। SEN युवाओं को तार्किक सोच सिखाना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि सही उत्तर मिले, परंतु उन्हें समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया पर मार्गदर्शन करना और इससे समस्या समाधान का अनुभव संचित करना। यदि हम प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा दिमाग लचीला होगा। हम आपको स्मार्ट किड्स सुचान प्रौद्योगिकी टूर के अगले एपिसोड में देखेंगे।